चंद्राभागा संगम स्थल जहां से निकलती है चिनाब नदी। इस संगम स्थल को मनाली से 65 किलोमीटर दूर लाहौल वैली के टांडी पुल नाम की जगह पर देखा जा सकता है। मेरी बाईं तरफ है भागा नदी और मेरे दाईं तरफ है चंद्रा रिवर। चंद्र नदी चंद्रताल से निकलती है स्पीति से और भागा रिवर बारालाचा से निकलती है और ये दोनों नदियों का एक संगम है और यहाँ इस संगम से आगे नदी का नाम चनाब हो जाता है। कहते हैं कि इस जगह का नाम टांडी तन देही शब्दों से पड़ा जिसका मतलब है शरीर का त्याग। एक लोक कथा के अनुसार इस जगह द्रौपदी ने अपने शरीर का त्याग किया था। ये नदी यहाँ से पांगी किश्तावाड़ होते हुए पाकिस्तान में दाखिल हो जाती है। ऋग्वेद में इस नदी को अस्कनी नदी भी कहा गया है। पंजाबी कवित्री हैं अमृता प्रीतम, उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, प्रेम कविताएं। उसकी एक कविता मुझे एग्जैक्ट उसकी शब्दावली नहीं याद, लेकिन वो कहती हैं कि जो चनाब रिवर है, चनाब नदी है, क्योंकि इसकी कहानी पंजाब के जो प्रेम कथाएं हैं सोनी महिबाल, हीर रांझा और जो भी अदर्स जो हैं उनके, उनके नाम चनाब नदी के किनारे किनारे ये उनकी प्रेम कहानियां पनपती हैं। इस रिवर की खासियत ये है कि जो शख्स इसका पानी पी लेता है वो मोहब्बत करने लगता है। इस नदी का संबंध बहुत सारे आशिकी के किस्सों के साथ भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि सोनी महिवाल। इन दोनों चाहने वालों ने अपनी जान इसी नदी में गवाई थी। चंद्रा और भागा का ये संगम स्थल हिंदू और बुद्धिस्ट लोगों के लिए बड़ा ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि टांडी नाम के इस संगम स्थल को हिंदुस्तान के 8 महाशमशानों में से एक माना जाता है। आप लोग इस जगह इस संगम स्थल को देखने यहाँ पर जरूर आएं, लेकिन इस जगह कोई कचरा या गंदगी ना फैलाएं।